हेलो दिशुन, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज आज हम क्या करेंगे, आज हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं गुडविल चैप्टर के और एमसीक्यू कैसे एग्जाम के अंदर आए थे। पेपर 23 के अंदर जो आपके पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें सीयूटी अकाउंट्स डोमेन के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। हालांकि मैंने और भी क्वेश्चन डाले हैं, वो भी आप चेक करें। मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं इस चैप्टर से, गुडविल चैप्टर से। एक तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए जो चार्ट मैंने आपको बनाया था कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा कैपिटलाइजेशन मेथड से हम गुडविल कैसे निकालते हैं, तो ये याद होना चाहिए। इसका मैंने पूरा चार्ट बना के आपको दे रखा है। एक क्वेश्चन इस पे आ सकता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला था कि इसके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने बना बना के दिए हैं उसमें से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो कैसे, वो मैं क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। आज हम देखेंगे 2023 पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। हमने एक मेथड पढ़ा था, अगर गुडविल निकालने का याद हो आपको तो सुपर प्रॉफिट मेथड आपने पढ़ा होगा। सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या पूछ रखा है, इसमें पूरा गुडविल नहीं पूछ रखा, सिर्फ फॉर्मूला पूछ रखा, सिर्फ ये पूछ रखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे, ठीक है ना। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं इसने, ठीक है ना, उसके अंदर भर रखा है। तो फॉर्मूला तो आपको आता है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को ये लोग कभी कभी एक्चुअल प्रॉफिट बोलते हैं, बात एक ही है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट बोल दो उसको, बात एक ही है। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट आता है। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, बताओ। आओ देखो, पांच नंबर, सिर्फ इससे ज्यादा आसान क्या मिलेगा आपको, ठीक है ना। ऐसी कोई चीज है हो नहीं सकती कि जो हमने पढ़ी नहीं हो, है ना। तो पिछले साल पेपर 23 के अंदर सीयूटी डोमेन अकाउंटेंसी के अंदर जो क्वेश्चन आया वो ये था, एक्सेस ऑफ, ठीक है, डैश प्रॉफिट ओवर डैश प्रॉफिट राइट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ये कह रहा है कि आप भरोगे यहां पे क्या आना चाहिए, यहां पे क्या आना चाहिए, यानी कि अगर इसमें से मैं ये माइनस करूं तो सुपर प्रॉफिट बचना चाहिए। तो आपको तो पता है, ठीक है ना, मैं बगैर देखे बोल सकता हूं कि यहां पर एवरेज एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट को ये लोग एक्चुअल प्रॉफिट भी लिख देते हैं, तो बातें की है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। तो अब आप आंसर ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो पहले में क्या आना चाहिए, ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। तो पहले में ढूंढो, ये तो एक्चुअल प्रॉफिट देने रखा ना, एवरेज प्रॉफिट लिख रखा, ठीक है। तो यहां पर सुपर तो आ ही नहीं सकता, वो तो निकालना है, ठीक है ना। ये रहा एक्चुअल प्रॉफिट, ये ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन यहां सुपर प्रॉफिट लिख रखा, तो यहां सुपर नहीं आ सकता, ये भी गलत हो गया। बी सी पे आ दो, यहां पे एक्चुअल आ गया, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, एक्चुअल, तो एक्चुअल लिख दिया अपन ने, तो यानी कि एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। इसको थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं, दोबारा लिखता हूं, ठीक है। तो ये होगा अपना एक्चुअल प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा वर्ड है नॉर्मल। तो यहां यहां पे भी नॉर्मल आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे आपका क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट यानी एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्या आ गया आपका, सुपर प्रॉफिट, यानी कि सी बन गया आपका। डी हो नहीं सकता क्योंकि यहां सुपर लिख रखा है, सुपर तो निकालना ही है ना, सुपर कैसे हो सकता, सुपर में से नॉर्मल माइनस करके, नहीं गलत है राइट, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो पता लग गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते, बताओ ये कोई क्वेश्चन, ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा। आपने पूरे वीडियो अगर अच्छे से देखे हैं, ठीक है ना, जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं डायरेक्टली क्वेश्चन दे रखे, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आप बिल्कुल मत देखें, पहले आप रिवीजन कर लें चैप्टर का अच्छे से, ताकि क्वेश्चन को आप समझोगे बाद में तो आपको लगेगा कि यार कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट की डीपली अंडरस्टैंडिंग लेनी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको नहीं निकालने हैं। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिक्कत होती थी उनको, उनके लिए मैंने सिंपल करने के लिए मैंने एग्जाम्पल बना बना के दे दिए, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। आज के लिए कीप वॉचिंग बेटा, ठीक है। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं।